अपना ये भाभी पुनी किधर है भाई? और एक बेड नहीं है यार, मैं आई एम ओके विद चला ही गया वो तो खाने में। हां अभिषेक, मैं घर कंफर्टेबल हूं। किस बारे में बात नहीं करनी? इस बारे में टॉपिक नहीं मेरे को। क्यों मेरे को नहीं करनी? अरे तो तू तो अपने ओपिनियन बता के चला गया, हम भी बताएंगे। अरे मेरे को नहीं करनी इस बारे में बात, जब बिग बॉस बोलेंगे तब मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अरे तो मैं जब वो बोलेंगे तब कमरा डिसाइड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। प्लीज बार-बार मत बोलो। मैं ऐसा ही हूं। मैंने नॉर्मली बोला। अरे मैं ऐसा ही हूं। मैंने बोल दिया। अरे तू ऐसे ही, मैं ऐसा ही हूं। मेरे से बात मत करो यार, अननेसेसरीली। भाई मैं ऐसा ही हूं, तुम बार बार एक ही चीज बोलोगी तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगा। एक ही चीज बता रही हूं, तुम बार बार क्यों एक ही चीज बोली जा रही हो? यहां पे सब बोले के तो तुम क्यों बोलोगी तो मैं भी बोलूंगा। मैं भी चीख सकता हूं, मैं भी चीख सकता हूं, मैं भी चीख मैं करूंगा। मैं ऐसा ही हूं, मैं करूंगा। मैं ऐसा ही हूं। मैं चलूंगा। क्या कर लोगी? मैं ऐसा हूं। क्या कर लोगी? मैं ऐसा हूं। तू बहुत कर, तू बैक ऑफ कर, तू बैक ऑफ कर, तू बैक ऑफ कर, तू बैक ऑफ कर। मैं नहीं कंट्रोल करूंगा, तुम कंट्रोल करो। इनको देखकर टेलीविजन के जाने माने चेहरों के मन में ये बात चल रही है कि इनकी पॉपुलैरिटी तो बिग बॉस के लिए बेहद जरूरी होगी, तो 100% इन्हीं की तरफदारी करने वाला हूं। आप माने ना माने, ये इल्जाम आज नहीं तो कल मैं सुनने ही वाला हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। तो मैं ये मसला आज ही खेल शुरू होने से पहले ही सुझा रहा हूं। अब से मैं डंके की चोट पे बायस्ड हूं। हां मैं खुलेआम खुदगर्ज हूं। अब से जो मेरे शो के हित में है मैं वही करूंगा। जी बिग बॉस, जो मेरे शो के लिए अच्छे होंगे वो मेरे लिए भी अच्छे होंगे। और जो मेरे शो के काम नहीं आएंगे वो मेरे लिए भी काम नहीं आएंगे, ना के बराबर ही होंगे। यहां से बायसनेस और फेवरेटिज्म का मेरा खेल शुरू। आओ बिग बॉस, या हमने जिन्होंने भी दिमाग वाला कमरा ऑक्यूपाई किया है वो हाथ ऊपर करें। तो फैक्ट रिमेन्स कि क्योंकि हमारा दिमाग वाला कमरा है, एंड द ब्रेन डिसाइड्स एवरीथिंग। ड्यूटीज भी अगर ब्रेन के कमरे वाले हैं, अगर वही असाइन करें, और अगर हम सब लोग म्यूचुअल ना सोच के इंडिविजुअली हम सोचे, हम छः लोग हैं, तो फिर हमें इस हिसाब से हम छः लोग को डिसाइड करना है, और फिर हम वी विल इंश्योर कि सबकी ड्यूटीज़ क्या होंगी और वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर किसी ने नहीं किया तो वी विल इंश्योर कि पेनलाइज भी होगा। पेनलाइज अपने को करना या वो? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं बोला है, बट यूजुअली ऐसा, मतलब वी हैव टू, हमें देखना है इन छह लोगों में से कि कौन ड्यूटी नहीं कर रहा है, वी कैन पेनलाइज। नहीं नहीं, बट हमें अपनी खुद की भी ड्यूटीज, हमें अपनी खुद की ड्यूटीज, सबको ड्यूटीज बांटना रहेगा। पहले बांटना है फिर मॉनिटर बनना है। मतलब जनरली मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम थोड़ी डाउन हो कल के मुकाबले,
अगर इफ यू डोंट वांट टू अग्री आपको इससे हो सकती हूं अग्री नहीं करना तो आप मुझे आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर ना चाहो तो दोनों ना कर सको। आई थिंक मेरा फर्स्ट डिनाई भी कर सकते हो। मैं आपसे डिनाई करती हूं इस टाइम मुनाफर। बिल्कुल सच में? हां या सिर्फ डिनाई करने के लिए? आपने मेरे को अटेंशन नहीं दिया आज सुबह से, एंड नाउ आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। ठीक है, आई डिनाई एक्सप्लेनेशन। अच्छा इतना एटीट्यूड, वो भी मेरे साथ? एटीट्यूड नहीं है। अच्छा आपके नए फ्रेंड्स नहीं बन गए इस घर में? सेम एनर्जी जो आप मुझे दे रहे हो। अच्छा मैं आपको ये एनर्जी दे रही हूँ? या अगर मैं सेम एनर्जी देता तो आपसे आके पूछता नहीं कि आप ऑफ क्यों हो। सकता है मुझे आप ऑफ लग रहे हो। आपने बोला मैं इग्नोर किया आपको। आपने डेफिनेटली मुझे इग्नोर किया। अगर मैंने इतना इग्नोर किया होता तो मैं नोटिस कैसे करता? हाँ तो नोटिस। अच्छा तो एक नज़र थी आपकी मुझ पर, मैं सुबह से ऑफ नहीं थी, आप ऑफ थे। तुमने ही बोला आप सिर्फ आंखों से काम कर रहे थे और जुबान से नहीं। जुबान का इस्तेमाल करते तो हमारी ये कॉन्वर्सेशन ना हो रही, शायद कोई और ही कॉन्वर्सेशन हो रही हो। तो फिर तुमने ऐसे क्यों बोला कि हाँ मैं ऑफ हूँ, एक दिन मेरा ऐसा रहता है एक दिन ऑफ रहती हूँ? वो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कह सकती हूँ। अच्छा तो मुझे बताइए विक्की जी। सर आपकी स्क्रिप्ट क्या कहती है? कैसा बना होगा हमारा एपिसोड? मैं सिर्फ बिग बॉस उसको समझाने के लिए, थोड़ा काम डाउन करने के लिए उसको ऐसा बोल रहा था अपनी तरफ से। ये बोला आपने? मुझे नहीं, मैंने बोला ऐसा हो गया। क्या बात कर रहे हैं विक्की जी। जी बिग बॉस, अगर आपको दिमाग चलाने और दिखाने का इतना ही शौक है तो क्यों आप अंकिता के पीछे पीछे मकान नंबर एक में गए? जाते मकान नंबर दो में, वो है दिमाग का घर। दिखाते थोड़ी डेयरिंग, रहने देते अंकिता को अकेले मकान नंबर एक में। बिग बॉस बहुत दिल वाला मकान, बहुत प्यारा बनाया आपने एक्चुअली। पर शायद नेशनल टेलीविजन पे यह दिखाना था कि मैं तो मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूं। आपने अभी यहाँ पर बोला, प्लीज डोंट गेट मी स्टार्ट ऑन दैट टॉपिक। आपने अभी यहाँ क्या बोला? एक मिनट मैं बात कर रही हूँ। आपने यहाँ बोला कि इतना ही है तो ये लड़की को लेकर जा तू उधर। कहाँ लेकर जाएगा ये मेरे को? यहाँ बात हो रही थी कि अरे तो मैं आपको बोल दूँ कि अरे इस लड़की को लेकर चले जाओ। आप ओके हो गए? मैं नहीं हूँ उसमें मनारा। ओके वो गंदा प्रोजेक्ट हो रहा है मनारा, बिकॉज़ यू आर आल्सो अ गर्ल। मैं आपको इतना ही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इन लोग का जो है ना कपल का फंडा समझ में आ जाएगा सबको बराबर। और ये इसका ना इसके बाद का जो एटीट्यूड है ना साउथ दिल्ली वाला, इसको तो मेरे को एक लगाने का मन करता है। ये साउथ दिल्ली वाला एटीट्यूड, अंकिता दी कोई भी अपनी नॉर्मल जिंदगी में ऐसे बात नहीं करता है यार। मैं कितनी भी बड़ी शहजादी होंगी ना ऐसे कोई बात नहीं करता है। ओ हाँ हाँ ओके। और मैं कोई ऐसा नहीं कर रही हूँ कि ओ मैंने उसकी एक्टिंग कर दी या कुछ कर दिया। आई एम जस्ट टेलिंग हर वे। बचपना आप लोगों से नहीं हुआ है, कुछ लोगों से हुआ है, कुछ और लोगों से जी। प्रैंक से तकलीफ नहीं है, प्रैंक्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी ना कभी हम सब करते हैं। तकलीफ इस बात से है उसके पीछे छिपी हुई मंशा को क्यों किसी को साफ उसके मुंह पे नहीं बोला और उसके इर्द गिर्द ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा ताना बाना बुना गया एक प्रैंक रचने का। बहुत क्लियर नहीं था। और उसके बाद खुद को शाबाशी भी दी गई कि हमने क्या ब्रिलियंट प्लान रचा है और ब्रिलियंट कंटेंट दिया है। एट द कॉस्ट ऑफ माय, इसलिए ये बचपना है। ओके ट्रू। मैंने अपने तीन पोटेंशियल फेवरेट्स को एक साथ यहाँ पे बुलाया है। थैंक यू क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप तीनों के पास वो समझदारी है कि जो लोग फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं, झूठी दोस्तियां दिखाते हैं, झूठे रिश्ते बनाते हैं, उनको आप एक्सपोज कर सकते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि वो गेम में आए हुए हैं। सर ये तो बहुत ज्यादा। हमारा सुझाव ये है कि पहले इसे घर तो बना लो, घर में तो आ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस।
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे।